आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यूवी ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि आम नागरिकों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करते रहेंगे। नेपाल में बीती रात आए जबरदस्त भूकंप के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई सेकंड तक तेज झटके महसूस किए गए। आज तड़के दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि एजेंसी द्वारा दर्ज आंकड़ों के विश्लेषण के बाद पाया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा जरूर लें। श्री कुमार मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित साइकिल रैली में भाग लेने के बाद बोल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में जिन नागरिकों को नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है, उनके लिए विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण अभियान चलाते हैं। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आज से दक्षिण कोरिया के डाइगू में शुरू होगी। मनु भाकर, मेहुली घोष और अर्जुन बबूदा और दिव्यांश सिंह पवार सहित भारत के कुल 36 निशानेबाज इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन आज से 19 नवंबर तक होगा। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर वर्ग में मनु भाकर और युवा वर्ग में यशस्वी जोशी भाग लेंगी। मेहुली घोष महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता, जूनियर वर्ग में दिव्यांश सिंह पवार हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक दिन भर चलेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में वाम उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, सीमा मुद्दों, साइबर सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। ये इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। चुनावी बॉन्ड के लिए मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10,54,831 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक वैक्सीन के 13,35,27,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के 11 जिला चिकित्सालय में डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस पीजी डिप्लोमा की 31 सीट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रदेश के 19 स्वास्थ्य संस्थाओं में सीपीएस मुंबई द्वारा पीजी डिप्लोमा की 92 सीट उपलब्ध हैं। इससे प्रदेश को हर वर्ष स्नातकोत्तर विशेषज्ञता रखने वाले 123 विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण, निर्बाध विद्युत प्रदाय और उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला तथा सम्मान समारोह आज शाम 6 बजे कुशाभाउ ठाकरे सभागार में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में रबी सीजन के लिए किसानों को अब लगातार उर्वरक उपलब्ध होगा। जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरकों को डबल लॉक केन्द्रों, एमपी एग्रो गोदाम, सहकारी समितियों और निजी दुकानों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। सतना जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण रैली के समापन पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने शपथ दिलाई। मुरैना में अनियंत्रित गति से अवैध रेत का परिवहन कर रहे वाहन चालक ने मजदूर को कुचल दिया। टीकमगढ़ जिले में आज से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। शिवपुरी में आज अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।